चलिए आपको ले चलते सीधा मैनपुरी, जहां समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। सीधा मैनपुरी ले चलते हैं। पॉजिटिव है, हम लोग काम कर करके जनता की सेवा कर करके सरकार बनाना चाहते हैं। ये जनता को धोखा दे करके सरकार में बैठे रहना चाहते हैं। ये आए थे अभी मुख्यमंत्री जी, बहुत कुछ कह के चले गए, लेकिन वो जानते नहीं है हमारे प्रत्याशी का नाम भी ढंग से नहीं पढ़ा उन्होंने। अगर वो नाम भी ढंग से पढ़ लेते तो ऐसा भाषण दे करके नहीं जाते। उनका नाम है तेज और पीछे लगा है प्रताप। तो बताओ कौन जीतने जा रहा है यहाँ पर? और हो ना हो, कम से कम विधानसभा में ये पहुंचेंगे, ये अपने कद की भी नपाई कर लेंगे मुख्यमंत्री जी के साथ। और हम तो विधानसभा में रहे हैं, मुख्यमंत्री से एक इंच बड़े थे, लेकिन जब ये सभा देखी होगी उन्होंने, हालांकि वो वस्त्रों से योगी है, विचारों से योगी नहीं है। वो केवल वस्त्रों से योगी है, विचारों से योगी नहीं है। और ये जो जनता देख रही होगी, अब इसके बाद योगी करेंगे, इसके अलावा दूसरा कोई काम नहीं करेंगे। ये जो जन समर्थन दिखाई दे रहा है, और कहल की जनता जो हमेशा समर्थन दी है, ये ऐतिहासिक प्रणाम देने जा रही है जनता। मैं पहले मीटिंग में भी कहा, इस बार कहल का चुनाव जीत का रिकॉर्ड बनाने जा रहा है। ऐसा कोई वर्ग नहीं है, ऐसा कोई समाज के लोग नहीं बचे जो आज समर्थन न दे रहे हो। हर वर्ग के लोग समर्थन। लड़की बहन माझी लाड़।